रहमान रहीम सल्लु अला हबीब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह या साहिब अल जमाल व या सय्यद अल बशर मिन वजह कल मुनीर लकद नुबिर अल कमर ला यमकिनु सनाउ कमा कान हक्कुहु बादज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर नाते महबूब दावर सनद हो गई फरदेसियाँ मेरी मुस्तरद हो गई मुझसा आसी भी अगोश रहमत में है ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई मुझसा आसी भी अगोश रहमत में है ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं सरे आईना सुनते हैं पसे दीवार सुनते हैं और मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीन के पुकारो चाहो जितनी बार वो हर बार सुनते हैं और मुजफ्फर जब किसी महफिल में उनकी नात पढ़ता हूँ मुजफ्फर जब किसी महफिल में उनकी नात पढ़ता हूँ मेरा ये ईमान है वो भी मेरे अशआर सुनते हैं जो भी है बस उनकी मेहरबानी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपाया शुक्र है कि जिसने हमें अपनी बंदगी और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की गुलामी से सरफराज फरमाया और ये भी मेरे रब का खास करम लुत्फ व एहसान अजीम है कि जिसने ज़िंदगी में एक मरतबा फिर मुझे और आपको अपना अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का जिक्र करने के लिए सुनने के लिए मुंतखब फरमाया। सदा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं अंजमन बज़्म कादिया अशरफिया बारवाल के तमाम अहबाब अल्लाह करीम और बिलखसूस ज़ीनतुल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा हज़रत अल्लामा मौलाना कारी नासर सुबहानी साहब अल्लाह करीम इनका साया हमारे सिरों पर सुबह क़यामत का बादशाह फरमाए। इस महफिल का आगाज तलावत कलाम रहमान से एक शेर और माइक कारी साहब के हवाले कि डूबदे सूरज चढ़न वाला तुसी जे बैठे हो देखो वो सुभान अल्लाह माशाल्लाह थोड़ा के बच्चा एक नात पढ़ता सी पिया जेड़ा भी बहुत प्यारा माशाल्लाह बच्चा नात पढ़ रहा है लेकिन तुसी जेड़ा ना सुमन बुकमन होके बैठे आए हो यानी तुसी क्या वैसे भी नहीं बोलना अपना ही है ना खैर ही निके जिस तुसी नात पढ़ते ना बच्चा ते अपना पुत्र पढ़े तो फिर तो चोखा सुभाना बंदे नूं कहना चाहिए ताकि वह दिल राजी हो खुश हो ताकि होर तैयारी करके आवे कि यार मैं गया मेरे चाचे ने बड़ा सुभाना आख्या मामे ने फलाने ने बड़ा आख्या इस वास्ते जो अपना पुत्र या कोई भी हजूर की शनाखा नहीं करे तो सुभान ला के वह करो एक बार कहो हाँ माशा यानी तो पता सारा है ही बस तुसी मेरे को भाई तुसी भी सवाब ला लो मैं चलो तुसी कहो कि सुभान अल्लाह तुहाडी शफकत है कि डुबदे सूरज चढ़न वाला पुछदे दीवे पालन वाला जिन्हां दा नहीं जगते कोई ओना नूं भी पालन वाला लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी मैं ता पत्थर भी गलदे वेखे तेरी रहमत नाल सोहणिया रब्बा पानी ते बंदे चलते वेखे के हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के लायक है जितने भी लोग मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद के पहलू सी अल्लाह ते अल्लाह ही अल्लाह पहलू सी अल्लाह ते अल्लाह ही अल्लाह न बंदे न बस्ती न वेड़ा मोहल्ला अर्जो समावत हाशा वकल्ला कहना सी फिर की ने अज़ब अजल्ला ख्याल आया होना है कल्ले की रहना तायूं शायद प्यासी फिर कुन कहना फिर पहलू बनाया खुदाई दा कहना के जिसका वजू बिन मैं ना नहीं लेना के खुदा दी ओदे नाल सिया शनाई फिर सारी ये दुनिया ओसे दी खातर बनाई के खुदा माशाल्लाह लेकिन पता है बड़े नु खुदा कितने ने खुदा कितने ने खुदा कितने ने
خدائی کے یعنی احد دے سمد دے لم یالد دے ولم یولد دے خدا تے نبی وچ شریعت دی حد دے نہ اے اس تو ودے نہ او اس تو گھٹے بڑی ساری گل اے پر اینی مکائی کہ بعد از خدا درجائے مصطفائی کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد اور دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے بھی لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔